जो करेगा डंके के चोट पे बोल के करेगा और मरा दिए तो मोच में ताव दे के करबे और हम इन जकरा निर्णय लेबे ओकर बाद देख लिए अगर रामगढ़ के तस्वीर और तस्वीर नहीं बदल लेबे। रामगढ़ चुनाव ही खतियान का टेलर होना चाहिए था, तब 24 में पूरा मिल जेबे तो कोई माई के लाल रोके नहीं पड़ते। हम इन जकरा समर्थन करबे ओकरा जितना तय है ओकर विजय % हर प्राइवेट सेक्टर में झारखंडी बच्चा के रोजगार मिलना चाहिए। जे 12 लाख पलायन है के बाहर राज्य में खेल रहा जी, अपन भाई के तो विधायक बनाए ले, अपन भतीजी सब के तो नेता बनाए देते है, सांसद बनाए देते है, लेकिन हम इन के भाई हम इन के बहन की 50,000 के नौकरी भी नहीं खंड बंद। हम इनके 5 मुद्दा पे रहते है। पहला मुद्दा, नमस्ते जोहार, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ करण मातो है और इनसे बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे शादी में वोवा सिस्टम में खाना जैसे मिलता है बहुत सारा वैरायटी और सब खाना ले लेते हैं और खाते कुछ नहीं है और सब बर्बाद होता है, वैसे आंदोलन का असर वैसे आंदोलन हो गया है कि इतना सारा आंदोलन हो गया है कि कोई भी आंदोलन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो करण दा से पूछते हैं कि करण दा कौन सा आंदोलन अभी करने वाले हैं। दादा जोहार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले सबके जोहार और ख़ास करके रोहित ब्लॉक के जितना सब्सक्राइबर है फॉलोअर्स है सबके अमर खतियानी जोहार, जय झारखंड। दादा अभी जैसे 1932 खतियान राज्यपाल ने लौटा दिया तो इस पर क्या आप लोग अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे, क्या कारण? तो शायद न्यूज कम देखे हैं रोहित बाबू। राज्यपाल लौटवल के बाद सबसे पहला बाइट हमरे आए रहा है नायक ब्लॉक आज तक बोकारो जे हम तखन कसमार में हलिए। ओकर बाद हम इन 4 फरवरी के इंतजार कर रही क्या 29 के लौटो रहे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दा कहीं ना कहीं झारखंड हित में कुछ ना कुछ फैसला लेते है। वो चलते गोल्फ ग्राउंड के ओखिन के जे हल 91वां अधिवेशन हम इन ओकर खातिर चुप हलिए। ओकर बाद जैसी कोई निर्णय ना अल 8 तारीख के हम इन एगो मिल के तमाम झारखंडी भाई ऐतिहासिक फैसला ले ली 15 मार्च के झारखंड बंद के फैसला और ओकरे विषय में हम आज धन्यवाद आ रहे हैं। आज के अपन जितना साथी सब हल्थिन सबसे बैठ लिए तय कर लिए कि कैसे की आगू करल जीते। तो कहीं ना कहीं करण मातो तो भाई एकदम हर समय खतियान खातिर नियोजन खातिर अपन छोट भाई छात्र खातिर हमेशा है और रोड से सड़क तक है। दादा पर्दा मार्च को आप कह रहे हैं कि झारखंड बंद होगा तो क्या इससे सरकार को क्या असर होगा इससे बंद होने का, क्योंकि यहाँ पे आंदोलन 1 साल से चल रहा है फिर भी 1932 खतियान लागू नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं एक चीज थोड़ा स्पष्ट बता दियो, आज तो हम इनके देश के तो बात देख ले, किसान सब के आंदोलन देख ले, हर बॉर्डर जाम हो गए, कहीं ना कहीं यह मोदी सरकार के झुके हल पूरा देश के किसान के आगू और ओकर जे टीम के नेता हल राकेश टिकत बाबू ओकर आगू झुके हल। तो कहीं ना कहीं जोन दिन झारखंड बंद है तो सिर्फ झारखंड ही नहीं चला रहा है, हर राज्य के कहीं ना कहीं जे पावर सेक्टर है कोयला वो हामिन के राज से जा रहा है। अगर हामिन एक दिन रोक देवे तो पूरा देश अंधेरा में रहते और जब देश अंधेरा में रहते तो हामिन झारखंडी की बात केंद्र सरकार भी कर तो और राज्य सरकार भी कर तो। दादा ये 15 मार्च को आप झारखंड बंद का जो ऐलान कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सा मुद्दा के लिए आप झारखंड को बंद कर रहे हैं? एकदम स्पष्ट तौर पे जान ले कि झारखंड बंद हम इनके 5 मुद्दा पे रहते है। पहला मुद्दा 1932 खतियान के फिर से विधायक सब पारित करके एक विधायकी बनाए के फिर राज्यपाल के भेज और राज्यपाल सेंट्रल के भेजते। दोसर नियोजन नीति जल्दी लगना चाहिए, आज कोर्ट जे रद्द करल है ओकर बाद सरकार तेल लगा के सुत गल है। तीसरा परसनाथ पहाड़ में हम इनके झारखंड सरकार से एक नोटिफिकेशन चाहिए कि वो कोई जाति विशेष का धर्म का पहाड़ नहीं है, वो हर झारखंडी चढ़ेगा, देश का हर वर्ग का आदमी चढ़ेगा। और तीसरा जो चौथा जो मांग है एकदम स्पष्ट कि छात्र के हित में जितना जल्दी एकरा फैसला लेना है, अगर वैकेंसी कराना है तो बैठ के तय कर और फटाक से कराओ हर बच्चा के साथ। क्या है कि मुख्यमंत्री जी अपन भाई के तो विधायक बनाए ले, अपन भतीजी सब के तो नेता बनाए देते है, सांसद बनाए देते है, लेकिन हम इन के भाई हम इन के बहन की 50,000 के नौकरी भी नहीं करते तो एकरा फैसला तुरंत लेना चाहिए और
पांचवा जो मांग है 75% आरक्षण पे जे प्राइवेट सेक्टर में है, हर झारखंडी जे बोलो है कि हर झारखंडी को रोजगार देंगे, भैया झारखंडी कौन है, बाहरी कौन है, हटे तो तय ना हेले, तो फिर कौन आधार से सर्टिफिकेट बांट दे रहा नहीं तो कि हर झारखंडी को देंगे, तो कहीं ना कहीं 75% हर प्राइवेट सेक्टर में झारखंडी बच्चा के रोजगार मिलना चाहिए। जे 12 लाख पलायन है के बाहर राज्य में खेट रहा थी, उस सब के आन के अगरा रोजगार देना चाहिए। और खास करके एक बात बोले चाहे, कभी तो ग्रीडी जी के आसपास क्षेत्र में घूर ले तो बगोदर चल जो, तो बिसुनगढ़ चल जो, तो हजारीबाग के आसपास क्षेत्र चल जो, टावर लाइन में बाहर में खटे जातीन, और उतना ऊपर टावर से अगर कोई भाई गिर जाए तो बाँचे कोई उम्मीद ना रहे। तो ओकरा हम चाहबे कि जितना जल्दी आए, और आए के यहाँ 75% जे आरक्षण है ओकर आधार में उस सबके रोजगार मिलना चाहिए। टावर लाइन में अब करण महतो के भाई साहब, झारखंडी भाई साहब अब नहीं खटते, एकर यह 5 मुद्दा पे झारखंड के एक दिवसीय पूरा चक्का जाम रहते, सब तरह से बंद रहते झारखंड। और दादा छात्र के अभी देख रहे थे वीडियो, छात्र बोल रहे हैं कि चुनाव जो रामगढ़ उपचुनाव है वो बहुत जल्दी डेट फिक्स कर दिया है और तुरंत रिजल्ट भी दे रहा है, और हम लोग का जो एग्ज़ाम का डेट है वो बार बार कैंसिल कर दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे दादा? सबसे पहले तो कहीं ना कहीं देख, नेता सब अपन चीज़ में वेट नहीं करते। एगो चीज़ तोरा हम सीधा बता दियो, तो टोल टैक्स में देख ले भी, नेता गाड़ी धाए धाए पा रही, तो हॉस्पिटल चल जो, नेता अगर परिवार के अगर पेशेंट हो तुरंत इलाज है, तो थाना चल जो, अगर आम आदमी कोई जाए, कोई हमनिक जैसा जनमानस जाए झारखंडी, ओकर तो गेट से वहाँ घुसे थे हमनिक आधा घंटा लग जाए, लेकिन नेताजी तो ओकरा ऐसा ही सब कुर्सी देबथिन, चाय पानी पियबथिन, तो ओकर तो हर काम है जाए पहले। तो भैया चुनाव भी पहले है, तो ये हर छात्र के सोचे के चाहिए, लेकिन आज रामगढ़ में हमने की इतिहास रचक टाइम है। हमका लाग रहा है कि जब से चुनाव के डेट बारह है 400 से 500 फोन, कहे कि रामगढ़ विधानसभा और हमर विधानसभा सटल हो, गोमिया और रामगढ़, पेटरबार और गोला भी बॉर्डर है, हमर कसमार प्रखंड में अगर तो जीवे तो कहीं ना कहीं सेवाती घाटी और खास करके माननीय मुख्यमंत्री कर गांव नेमरा, हम इन्हें के इपार उपार है, एक पहाड़ से घोलेट जीवे तो हेमंदा घर, ऊपर ऊ चढ़ जीते तो करण मातो घर, तो कहीं ना कहीं हम इनके रामगढ़ विधानसभा से सटल है। तो हमर इधर से बहुत दादा सब, बहुत बहन सब, फुआ सब के ससुराल है जाए रामगढ़ विधानसभा, और हुआ से बहुत भौजी सब, चाची सब हमारे यहाँ आए थी, तो उस दिन एगो हमारा पढ़ल लिखल भाभी बोला है कि हाँ जी ककरा वोटवा देना है, हमारे वहाँ पूछा हथिन बाप घर, तो इन कुछ बोल नहीं रह लिया, कम बोली भौजी सही समय में बोलबो, 15 तारीख के बाद रामगढ़ में एगो हम बैठक करके हमर जितना भाई सब हथुन, खास करके खतियान के खातिर जितना भाई सब लड़ल है, सब मिल के एगो हम इन निर्णय लेब आपस में बैठ के, और उकर बाद हम इन रामगढ़ में फैसला लेब, और हम इन सब भाई लाग जीब तो रामगढ़ के तस्वीर और तस्वीर भी बदल देब और इतिहास भी बदल देब। 5 दिन में हमनी छात्र ताकत, नौजवान ताकत, आंदोलन के ताकत सब मिल जीब तो कोई माई के लाल रोके नहीं पड़ते, हम इन जकरा समर्थन करब ओकरा जितना तय है ओकर विजय तय है। दादा जैसे आप कह रहे हैं कि आप रामगढ़ विधानसभा के बॉर्डर से आते हैं, तो आप किसको समर्थन देंगे अभी रामगढ़? 15 तारीख के हम इन सब खतियान आंदोलनकारी सब एक जगह बैठ रही, पर्सनल बात है फिर भी बता दिलियो, बैठ के हम इन निर्णय ले लेब, ओकर बाद हम इन के जे खतियान के भाई सब हथिन जकर सीने में झारखंडी माटी गाय जलल है, जे झारखंड खातिर मर मिटे खातिर तैयार है, वो भाई सब से बात करके हम इन अपन ऐलान कर देवे कि एकरे वोट देना हो, और 15 तारीख के अंदर ईटा करे वाला है, ओकर बाद रामगढ़ के तस्वीर से तस्वीर बदल देवे। दादा एक देखने में भी आ रहा है कि थे युवा जो थे जो खतियान आंदोलन में थे वो अभी पार्टी में जुड़ गए हैं। भैया देख ये कहीं ना कहीं हम इनके दुर्भाग्य, हम इन अगर कैंडिडेट दिए पारतली तो जे हम इन संघ हल है वो कभी कहीं ना जीतल है, तो एक चीज जान ले कि दुनिया के नियम हो, अगर तुम तो अवसर दिए नहीं पारवी तो भैया आदमी अवसर तलाश तो, और एक चीज जान ले कहीं ना कहीं अगर कोई भाई सब इधर उधर गेल हथिन तो अखिनो जान रहा हथिन कि ओकर दादा सब सक्षम ना हलथिन कि क्रोध देना, तो कहीं ना कहीं एक बैठ के हम तय करबे
बे हम इनसे एगो मिस्टेक तो है ले कहे कि रामगढ़ चुनाव ही खतियान का टेलर होना चाहिए था, तब 24 में पूरा पिक्चर होता। तो कहीं ना कहीं ये गलती हम लोगों से हुई है, इसके लिए हम लोग खुद शर्मिंदा है। लेकिन फिर भी 15 तारीख के मीटिंग के बाद हम लोग वो बल्लेबाज हैं, जैसे कहा थी ना धोनी के बारे में कि विकेट के पीछे खड़ा रह के ये इंसान मैच बदल सकता है, तो हम लोग बिना कैंडिडेट देके भी रामगढ़ का खेल बिगाड़ सकते हैं, ये ताकत रखते हैं। इसलिए 15 तारीख इंतजार कर। दादा, जैसे आप जिसको समर्थन देंगे तो क्या लगता है कि वो झारखंड के हित में काम करेंगे? भैया, हम इन ठोक बाजार के समर्थन दिए वाला है, हमने दोगला तोड़ी नहीं है। जकरा देबे खोल के देबे। दूसरा चीज जान ले, करण मातो कभी भी चोली के पीछे वाला खेल नहीं खेलता। जो करेगा डंके के चोट पे बोल के करेगा, और मरा दिए तो मोच में ताव दे के करबे। और हम इन जकरा निर्णय लेबे ओकर बाद देख लिए, अगर रामगढ़ के तस्वीर और तस्वीर नहीं बदल लेबे तो फिर बोलिए। और दादा, क्या संदेश जो आप देना चाहेंगे झारखंड वासियों को? सबसे पहले एक बात हम स्पष्ट बता दिए चाहे खास करके कि 15 तारीख के बंदी हम इनके आने वाला बच्चे के भविष्य के खातिर बंदी है। 15 मार्च वाला बंदी यहाँ के जो भाई बेटा सब बाहर रोजगार कर रहा है ओकरा आपस घर लाने कर बंदी है। हम इनके जो 15 मार्च के बंदी यहाँ के जो बहन सब बस में, भाई सब टेम्पू में बैठ के कष्ट करके जब पढ़े जाए ओकर भविष्य कैसे तय होते, एकर बंदी है। आज हम इनके हक अधिकार जो बाहरी सब मार के रखा लो उ कैसे यहाँ से ओकर जगह में अपन भाई साहब के रोजगार देवे ओकर चलते बंदी है। तो कहीं ना कहीं हर झारखंडी चाहे कि एक बड़ा लड़ाई अब रोड पे हो और सरकार से हो। और हेमंत दा को भी बोलना चाहते हैं, बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर हम लोग रांची में बैठेंगे और उसके बाद पूरा राज्य का 24 जिला का साथी लोग से बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करके एक ऐतिहासिक बंदी एगो पत्ता नहीं ले देवे झारखंड में उदिन। ये बात बोल के सबके अटे बोले चाहे हो जय जोन जिला से या कमेंट में अपन नंबर नाम और जिला जरूर लिखिया, हम ही कॉमेंटवा जरूर देखबो। और एक चीज बता दियो, जितना छात्र भाई या झारखंडी नौजवान या दादा सब, हम इनके गार्जियन सब, छोट बहन भौजी काकी, ई बंदी सब झारखंडी बंदी लाए एटे कह के जय झारखंड जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद दादा समय देने के लिए। और एक बात बता दियो, जितना भी भाई सब या रोहित ब्लॉग जरूर एकरा सब्सक्राइब कर लिया या फॉलो कर लिया। जय झारखंड जोहार झारखंड। तो दोस्तों, अभी देखा करण मातो ने कहा कि 15 मार्च को जो झारखंड बंद करने का ऐलान हुआ है, 1932 खतियान जो राज्यपाल ने लौटा दिया, और भी 5 मुद्दा जो बताएं करण मातो ने उस मुद्दे को लेके 15 मार्च को झारखंड बंद का ऐलान किए हैं, और देखते हैं कि 15 मार्च को क्या होता है। तो जोहार, मिलते हैं नए वीडियो में।